हेलो दोस्तों, राधिका मोबाइल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को पेन ड्राइवर को कैसे बूटेबल बनाते हैं यह चीज़ बताएंगे। आप लोग को पेन ड्राइव को कैसे बूटेबल बनाएंगे, तो दोस्तों एक रूफस सॉफ्टवेयर भी रहना चाहिए। रूफस सॉफ्टवेयर और एक पेन ड्राइव भी रहना चाहिए और विंडो 10 ISO फाइल भी रहना चाहिए, या 7 ISO फाइल या 11 ISO फाइल रहना चाहिए। लेकिन मैं आज विंडो 10 ISO फाइल को बूटेबल पेन ड्राइव को बनाएंगे। तो देखिए, पेन ड्राइव हम लगा लिए हैं। देखिए कोलेसर लिख के आ गया है। ये मेरा खुद का पेन ड्राइव है, तो इसको सबसे पहले फॉरवर्ड मार देते हैं। पहले से जो भी इसमें लोड होगा इसको स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ से फॉर्मेट हो जाएगा, यहाँ से ओके कर दीजिए। फॉर्मेट हो रहा है, फॉर्मेट हो गया, इसको यहाँ से ओके कर दीजिए। दोबारा चाहिए तो एक बार फिर से आप लोग फॉर्मेट मार सकते हैं। दोबारा एक बार फिर से फॉर्मेट मार देते हैं ताकि अच्छी तरह से और क्लीन हो जाए। फिर ओके कर दीजिए। पूरा वीडियो देखिए आप लोग। देखिए हो गया, कंप्लीट हो गया। हम देखिए रूफस फाइल को ओपन करेंगे, इसको रन कर देंगे रूफस फाइल को। ये रूफस फाइल 3.17 है। देखिए रन हो गया और पेन ड्राइव भी 16 GB का है, ऑटोमेटिक आ गया है। देखिए 16 GB का है। उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ISO फाइल को, जहाँ भी आप लोग रखे होंगे। मैं तो यहाँ ऐप में रखे हैं, ये न्यू फोल्डर में है, ये इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इसको इमेज फाइल, इसको ऑल फाइल में सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद में इसको सेलेक्ट करके इसको ओपन कर देंगे। यहाँ से देखिए लोड हो गया विंडो 10 का। आज GPT है तो इसको GPT में ही रहने दीजिएगा, और NTFS है इसको NTFS में ही रहने दीजिएगा। और यहाँ से स्टार्ट बटन को क्लिक कर दीजिए, यहाँ से ओके कर दीजिए। देखिए वो टेबल बनने लगा। करीब 20-25 मिनट लगेगा, 15 मिनट लगेगा, जितना भी लग सकता है। तो आप लोग को वीडियो को रोक रोक के दिखाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए 71-72% हो गया है। क्योंकि 15-20 मिनट लग जाता है बूटेबल बनने में, तो इजी है। इसी तरीका से आप लोग भी बूटेबल बनाइए। 7 का बन विंडो 7 का बनाइए, 8 का बनाइए, 11 या 10 जो भी बना सकते हैं, लेकिन ISO फाइल होना ज़रूरी है। अलग अलग फाइल का, 10 का, विंडो 10 का हो या 11 का हो या फिर विंडो 7 का हो। देखिए हो गया। अब इसको दोबारा स्टार्ट यहाँ से नहीं कीजिएगा, नहीं तो दोबारा फिर चालू हो जाएगा। रेडी हो गया। अब यहाँ सिर्फ क्लोज कर दीजिए। आप लोगों को दिखाते हैं फिर बना के नहीं बना, आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। मैं कंप्यूटर में खोल के दिखाते हैं। देखिए विंडो 10 बिट 64 बिट का, ये रीनेम कर दिए हैं हम। अभी वीडियो रोका था उस समय रीनेम कर दिए हैं,
इसी तरह से आप लोग वो टेबल बनाइए। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, आप लोग अच्छा लगा होगा तो मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा कर ऑल में सेट कर दीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले पहुंच जाएगा। और अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ISO फाइल कैसे लोड करते हैं, तो उसका भी वीडियो बना देंगे। जय हिंद, जय भारत।